A metal sphere of inner radius capital R and outer radius 2R is filled with a sphere charge of uniform charge density rho. How much energy is released if the sphere is grounded? इस sphere को आपने grounded किया तो कितनी energy आपकी release होगी? I think all of you know, if this is the metallic sphere, so whole charge, whatever the charge is will given, it will be always resides on the outer surface. And as you will connect to the ground, whole energy will be dissipated. So what we will do, we will just calculate the energy in the initial situation when it is not grounded, and finally we will say whole energy will be released when it is grounded. So for the metal sphere, we all know very well, self energy or energy stored formula is given by Q square by 2x, where x is the radius. यहाँ पे मैं यही formula लगा रहा हूँ, k की जगह तो आप लोग क्या put करोगे, all of you know k is known as 1 upon 4 pi epsilon naught. क्यू की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे गिवन है रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो शेडेड पार्ट है इस पार्ट में कितना वॉल्यूम होगा, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई, और यहाँ की आउटर रेडियस कितनी हो गई 2r का होल क्यूब माइनस इनर रेडियस कितनी हो गई r क्यूब. सो व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 4/3 पाई रो, दिस इज 2r 8r क्यूब माइनस r क्यूब, वी विल से इट इज 7r क्यूब. सो फाइनल इट इज 7/4 28/3 पाई रो इंटू आर क्यूब. ये तो आपका क्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है. 2 तो 2 ही रहेगा, x की जगह क्या लिखोगे, x इज द 2r, बिकॉज इसकी जो फाइनल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2r. नो वी पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, u इक्वल टू 1/4 epsilon naught क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पे यहाँ से देखो 28/3 इंटू 28/3 इंटू पाई स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 अपॉन 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है आपका 2r. अब हम इसको रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं. देखो आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ एक पाई से तो पाई चला गया, तो एक तो ऊपर क्या बच गया आपका पाई, रो स्क्वायर ऐसा कैसा बचा हुआ वो भी लिख लो, नीचे r है ऊपर 6 है, तो यहाँ क्या बच गया r की पावर 5, तो ऊपर क्या बच गया r की पावर 5, और एक आपका क्या बच गया नीचे एप्सिलॉन नॉट. अब केवल आपको नंबर पे काम करना है. सो अगर आप देखो 4 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4/7 28, ये 2 और 2 4 4/7 28, तो बेसिकली कितना हो गया 49 अपॉन 3 × 3 कितना हो गया 9. सो वी विल सी राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द 49 रो स्क्वायर पाई आर 5 अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम.